नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था सर कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट जरूर लेके आइए। और आपको मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कशन चाहते हैं कि किस तरीके से कंपनी अभी परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में जानना है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानना है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। और मुझे कुछ दोस्त ने कमेंट्स करा था, उसी बेसिस में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हर टाइम में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है जहां पे आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट हमेशा मिलता रहेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, दीपक नाइटेड। पिछले दिनों में दीपक नाइटेड के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उसके पीछे कारण भी था, उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ अपडेट देख लीजिए। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, दीपक नाइटेड कंपनी का मैनेजमेंट जो टीम है मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग लगता है। आप स्ट्रांग क्यों लगा उसके पीछे कारण मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दीपक नाइटेड के ऊपर आपको एक बात याद रखना है कि दीपक नाइटेड के ऊपर जब कोई कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट हमेशा उस कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली बिहेवियर करते हैं तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस में कोई नहीं रुकावट बन सकता है। अभी कहेंगे सर मैनेजमेंट स्ट्रांग है आपको कैसे पता है? देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट ने एक बातचीत किए थे एक रिपोर्ट के माध्यम से, उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपनी के ऊपर वो हमेशा कर्जे को जीरो करने के लिए सबसे पहले फोकस रखते हैं। मान के चलिए मुझे बिजनेस में प्रॉफिट कितना भी कम हो जाए उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे पहले मैं कर्जे को जीरो करूंगा, मतलब सबसे पहले जो कर्जा मैंने लिया तो उसको कम करूंगा, उसको नाक के बराबर लेके आऊंगा, उसके बाद मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मैं सुकून से रह पाऊंगा। क्योंकि देखिए ये बात भी सही है, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा बैंक में जाकर लोन ले चुके हैं और बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, मान के चलिए आपने 10 लाख रुपया लोन ले चुके हैं, आपने छोटे एक बिजनेस करने के लिए लोन लिया है और मान के चलिए 2 साल के अंदर अंदर आपका बिजनेस ही डूब गया, अपने बिजनेस को चला नहीं पाए, तो आपने जो लोन लिया मान के चलिए 10 लाख में आप 5 लाख लोन चुका दिए हैं और बाकी 5 लाख लोन आप चुका नहीं पा रहे और आपका बिजनेस भी डूब गया, तभी करना क्या पड़ेगा? आपके घर घर का जो कागजात आपने जमा करके लोन लिया है तो वो तो आपको जब्त हो जाएगा। तो यही चीज बहुत ज्यादा चिंता में हमेशा हर कोई रहते हैं। हाँ आपके बैकअप प्लान है कि आपके दूसरा कोई बिजनेस है उस बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है और एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है वहां पे लॉस हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से आप लोन को मिटा सकते हैं। तो दीपक नाइटेड के हिसाब से उस तरीके से मैनेजमेंट का जो कहना है कि मुझे हमेशा कर्जे के ऊपर हमें फोकस रखता हूँ क्योंकि कर्जा अगर ज्यादा हो गया तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कम देखने को मिलता है। तो फाइनली कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में जो तेजी आया था उसके पीछे एक ही रीजन है कि एक रिपोर्ट आया था कि कंपनी का रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है और रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो एक्चुअली रिजल्ट आज के दिन आने वाला है और मैं रिजल्ट आने से पहले आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ और रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो जब रिजल्ट आएगा मैं इन डिटेल्स और डेप्थ के हिसाब से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों में एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था, मतलब एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला था, तगड़ा बाइंग, और मुझे नहीं लगता आज के दिन बोलने का जरूरत पड़ेगा कि कंपनी का रिजल्ट में उतना खराब ही आएगा। हाँ रिजल्ट ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा है तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के जो सेल्स है वो कम देखने को मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं दीपक नाइटेड और केमिकल का जो डिमांड है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो जो कंपनी काम करते हैं उसका हालत आज फिलहाल के लिए देखा जाए तो कम हुआ है और इसी के चलते हुए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के कारण कंपनी की जो ग्रोथ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशराइज में है। और पिछले दिनों में जिस तरीके से तेजी आया था उसके हिसाब से एक रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है रिजल्ट में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं कि पिछले सालों में जो प्रॉफिट सेल्स हुआ था उस सेल्स को बीट कर पाएंगे, आप देखिए बीट कर भी सकते हैं क्योंकि पिछले साल में भी थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ जो है वो कम हुआ था। अभी देखना बाकी है कि कंपनी किस तरीके से उसको रिएक्ट करता है। तो देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर पहले से ही देखिए इस कंपनी के ऊपर एज ए एफएस ने तो कुछ क्वांटिटी बेचा
मगर पब्लिक ने क्या किया, सॉरी डीएस ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 2% के आसपास, 2.5% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। अभी पब्लिक के बारे में बात करूं तो पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे उठा चुके हैं। तो जब हर कोई इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो इस कंपनी के ऊपर आपको एज अ लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है, सोडियम नाइट्रेट की जो मार्केट शेयर है उनमें से 70% मार्केट शेयर अकेला दीपक नाइट्रेट लेके रखा है। तो इसका मतलब ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, क्योंकि कोई मोनोपोली जैसे बिजनेस कर रहा है तो उसमें से कंपनी को फायदा तो डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी दिखा दूं तो पिछले दिनों में देखेंगे तो जिस तरीके से बाइंग हो रहा था, हर किसी को यही लग रहा था कि बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो जो बाइंग हुआ है वो एक्चुअली ट्रेडिंग हुआ है, कोई डिलीवरी क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं उठाया गया। अगर डिलीवरी कुछ इस तरीके से लंबा सा कोई पिंक कैंडल दिख जाता तो मैं जरूर कहता कि हाँ कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, मगर यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला और उतना ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं किया गया। मतलब सॉरी, ट्रेडिंग अच्छा खासा हुआ, बहुत तगड़ा ट्रेडिंग हुआ, मगर डिलीवरी उतना ज्यादा उठाई नहीं गया। तो उस बेसिस में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 27% के आसपास पिछले दिनों में डिलीवरी उठाया गया था। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न गेट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आया था, जब नीचे आया तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस सॉरी एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यही लेवल में आने के बाद आप देखेंगे तो एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे इस डेटा को बोला जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट जोन, उसके साथ साथ एक डिमांड जोन भी कहूंगा, क्योंकि जब भी कोई सपोर्ट के आसपास टच करने के बाद एक रैली देखने को मिलता है तो उस जोन को कहा जाता है डिमांड जोन। तो सप्लाई कम डिमांड जोन भी है और फिर से यहाँ पे भी उसी तरीके से लेवल टच किया और उसके बाद देखिए वापस जा रहा है, और मेरे हिसाब से इजीली इस लेवल तक जाने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए पिछले दिनों में इसी का ही मैं इंतजार कर रहा था कि कब कंपनी का रिजल्ट आएगा, तो फाइनली कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट दिखा रहा है, एक्चुअली क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेज 29.98% के आसपास, 514 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ और 21% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। अभी यही चीज को मैं यहाँ पे डिटेल्स में दिखा दूं तो कंपनी की जो सेल्स है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ जो सितंबर का जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम होता है और दिसंबर का सेल्स और भी ज्यादा कम देखने को मिल जाता है। तो शेयर में प्रेशराइज क्यों देखने को मिला, क्योंकि देखिए पहली बार पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार सेल्स अच्छा हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को यहाँ पे बीट कर पाया है। अभी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब जो यहाँ पर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कितना 5,600 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार 3,800 करोड़। इसका मतलब सेल्स में बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिला। अभी प्रॉफिट में भी देखेंगे तो देखिए पिछले साल में 395 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था और इस बार कितना प्रॉफिट हुआ, 514 के आसपास। तो चलो प्रॉफिट तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, जिसके चलते पिछले दिनों में जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ था आप देखेंगे तो प्रॉफिट तो हुआ था मगर फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर एक रेड कैंडल बना था। इसका कारण यही है कि कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होने के कारण भी कंपनी का जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब एस्टीमेट को ब्रेक नहीं कर पाया। तो एस्टीमेट हमेशा बिजनेस स्टार्टिंग से पहले किया जाता है कि मेरे अगर मान के चलिए मैंने इस बार 500 करोड़ का प्रॉफिट किया तो मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट क्वार्टर में कि 600 से 700 करोड़ के आसपास। तो जब उससे नीचे अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले, 500 से भी अगर नीचे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले तो उसको कहा जाता है एस्टीमेट मिसिंग। तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस ने एस्टीमेट मिसिंग किया तो इससे थोड़ा सा प्रेशर बना, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। और जो ट्रेंड मैंने आपके साथ शेयर किया हो वो कुछ इस तरीके से है, मैंने आपको बताया कि एक रेंज था, उस रेंज को ब्रेकआउट किया, इस रेंज को ब्रेकआउट यहाँ पे किया था और रिट्रेसमेंट होने के बाद देखिए ऊपर तो गया था, फिर से रिवर्सल किया और नीचे आया। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर अगर कंपनी को ऊपर ही जाना था तो नीचे क्यों आया। देखिए एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट जब हुआ, यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया गया, बड़े क्वांटिटी ऐड किया गया बड़े इन्वेस्टर के माध्यम से। मान के चलिए कोई इन्वेस्टर, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे 1,00,000 क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं
तो यहाँ पे उसको 1 लाख नहीं मिला, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया, मान के चलिए यहाँ पे 30,000 क्वांटिटी वो ऐड कर पाए, सॉरी 30,000 क्वांटिटी ऐड कर पाए। उसके बाद देखिए फिर से उसको नीचे लेके आएंगे और वही जगह से वो आप फिर से बाय करना स्टार्ट करेंगे। मान के चलिए इस जगह पे फिर से वो 50,000 यहाँ पे वो ऐड कर चुके हैं, तो उसका जो बाकी जो 20,000 अभी भी बाकी है तो वो क्या वो छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, फिर से वो नीचे लेके आएंगे और वही जगह पे आने के बाद फिर से वो ऐड करेंगे। तो जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस में खरीदारी करते हैं। हम लोग जैसे नहीं है कि चलो शेयर भाग रहा है तो चलो टॉप में ही बाय कर लो, ऐसे वो कभी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं टॉप में बाय करूं और शेयर में करेक्शन होगा तो मेरा बहुत बड़ा करोड़ों का लॉस हो सकता है, और इस तरीके से करोड़ का लॉस वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा इसी तरीके से सिचुएशन को फॉलो करते हैं। जब भी वो ऊपर जाते हैं उसको नीचे जब लेके आने के बाद वो फिर से क्वांटिटी ऐड करते हैं, फिर से देखिए ऊपर गया, नीचे लेके आए, क्वांटिटी ऐड किया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था कि इस रेंज के ऊपर एंट्री बन सकता है और धीरे धीरे करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा और सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो भारी फॉल देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया, तो इस कोई भी सपोर्ट रेंज में अगर हैमर जैसे कैंडल क्रिएट हुआ तो एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हैमर कैंडल हुआ था, अब 10 में गया, यहाँ पे भी हैमर कैंडल हुआ है, फिर से अप 10 होने का चांसेस है। देखिए बाकी आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और रिजल्ट तो देखा जाए तो आ चुके हैं, अभी राय क्या हो गया आपके ऊपर मुझे कमेंट्स करके जरूर डिस्कशन करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। मुझे दो दोस्त ने बहुत दिनों से कमेंट करा था, तो पहले मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने वीडियो लेट में लेके आया, क्योंकि आपका रिक्वेस्ट बहुत दिनों से था, मतलब बहुत दिनों से आपने करके रखे थे। तो चलो आज मैं इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन कर लेता हूँ। मैंगलोर जो रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 20,000 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई आपको बहुत शानदार लेवल में देखने को मिलेगा। सबसे जो बेस्ट पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी के जो पी रेशियो है एकदम सस्ते में है, और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ देखने को मिला, और उसके बाद भी देखिए कंपनी धमाका रिटर्न दिया, सॉरी धमाका प्रॉफिटेबिलिटी गेन किया। अभी फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी कैश फ्लो अच्छा खासा देखने को मिला, तो प्रॉफिट से दोगुना से भी ज्यादा कंपनी का फ्री कैश फ्लो में है, मतलब हाथ में अच्छा खासा पैसा पड़े हुए है। अभी इस कंपनी के वीकनेस क्या है, इस कंपनी का वीकनेस यही है कि कंपनी के प्रोमोटर के पास 88% का होल्डिंग है, 88.6% के आसपास होल्डिंग है, और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल इस कंपनी के ऊपर शेयर, बाकी जो शेयर है उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने शेयर बेचना पड़ेगा, करीबन 13.6% के आसपास होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। तो जब शेयर बेचा जाएगा तो अच्छा खासा भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर इसलिए शायद प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही ज्यादा होल्डिंग्स है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग तो करना चाहते हैं, उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करा है। जब प्रोमोटर माल बेचेंगे तो उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर है वो देखेंगे तो तीनों ही प्रोमोटर इसका गवर्नमेंट है, जैसे सॉरी तीनों नहीं दोनों है, ऑयल एंड गैस मतलब ONGC इसका नाम है, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका प्रोमोटर है जिसके पास 71% होल्डिंग है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास 16.96% का होल्डिंग है। और MRPL एक ऐसे कंपनी है, एक रिफाइनरी कंपनी है, जितने सारे क्रूड ऑयल इंडिया में खरीदारी किया जाता है, पहले उसको रिफाइनिंग किया जाता है, उसके बाद अलग अलग कंपनी को बेचा जाता है। तो इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल ऑब्वियसली हाई है। बहुत सारे लोग ये मुझे पूछ रहे हैं कि सर पेट्रोल डीजल तक खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, इतना जल्द से जल्द आप खत्म होने का बात मत लीजिए, क्योंकि जो हम लोग सोच रहे हैं कि सोलर प्रोजेक्ट और ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब ऑयल सेक्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, वो अभी भी बहुत टाइम बाकी है। अराउंड एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 2050 के बाद शायद इसका कंजप्शन थोड़ा सा कम हो सकते हैं, मतलब परसेंटेज जो है, मान के चलिए आज 100 में से अगर मान के चलिए ऑयल सेगमेंट में देखा जाए तो 80% ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, 80-90% के आसपास ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, 20% बाकी फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सोचिए यहाँ पे कम होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और रही बात कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट का, तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, उसके हिसाब से बोरिंग्स भी बढ़ा।
गवर्नमेंट कंपनी है इसमें तो बोरिंग आपको दिखेगा ही, और रही बात कंपनी का फिक्स एसेट, वो लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी के बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगातार लगा कंपनी के ऊपर लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कंपनी की इस बार ट्रेड कितना मिला, करीबन 4,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी प्रॉफिट कितना किया, करीबन 2,500 करोड़ के आसपास। तो बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा, बाकी पैसा कंपनी कर्जे के हिसाब से उठाया है। तो क्वार्टर बेसिस में बात करूं तो कंपनी ने इस बार जो सितंबर का रिजल्ट आया तो यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ कम हो चुके हैं, प्रॉफिट का भी यहाँ पे ग्रोथ, हाँ प्रॉफिट भी एक अच्छी बात हुआ, सेल्स पिछले बार के तुलना से कम तो हुआ मगर एक्सपेंस को कंपनी अलग लेवल के मेंटेन्स किया और जिसके चलते कंपनी ने इस बार प्रॉफिट भी किया। और इसी प्रॉफिट होने के कारण कंपनी के ऊपर शेयर का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक जर्नी मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस तरीके से जर्नी को कहा जाता है हायर हाई, तो कंपनी हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। और अगर मैं प्रीवियस डेटा के बारे में बात करूं तो प्रीवियस में एक स्ट्रॉन्गली इसका स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो रेजिस्टेंस कहां तक है 120 रुपीज के आसपास। यहाँ पे एक बिग जैसे एक पैटर्न स्केड हो रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे बड़ा सा एक पैटर्न स्केड होने के बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, ऐसे करेक्शन भी हो सकते हैं। अगर करेक्शन होकर होने के बाद फिर से अगर रिवर्सल करके ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा कफ विथ 100 पैटर्न स्केड होगा, और जब कफ विथ 100 पैटर्न स्केड फाइनली बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका नेक्स्ट लेवल कहां तक रहेंगे। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लिया है मुझे जरूर कमेंट्स किया है, मतलब जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करता हूँ, आपने कमेंट्स किए तो इसलिए आपके साथ शेयर करो। और हाँ, आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर काम करिएगा, मैं नहीं कहूंगा कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसका डिमांड हमेशा रहेगा और धीरे धीरे करके कम होंगे। तो फिर भी फिलहाल के लिए इसके ऊपर मेरे हिसाब से फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी है उस बेसिस में फोकस करिए आपको जितना इसके ऊपर भरोसा है। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है हिंकॉन केमिकल्स लिमिटेड, ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इसके ऊपर बात करूं तो कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं और वो भी कम मिलेगा 10 तारीख को। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट, वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।